सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने अपने आप को इम्प्रूव किया और वाइट टाइगर को गॉगल्स भी लगा दिए हैं। मैं ट्राई करता हूँ एस्ट्रोनॉट इन स्पेस एंड लेट्स सी कि ये मुझे क्या रिजल्ट। सो यू कैन सी बहुत ही अच्छी इमेज दी है इसने। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। हम जो है अपना खुद का टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर बनाएंगे यूजिंग जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इसमें क्या है कि अगर सिंपल बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में बात करूँ तो हम कुछ भी टेक्स्ट देंगे इस जनरेटर को, टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर को, और ये हमारे लिए वैसे ही इमेज जनरेट कर देगा। और ये हम कैसे करने वाले हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे हगिंग फेस का स्टेबिलिटी डिफ्यूजन मॉडल यूज करेंगे, जो कि ऑलरेडी प्री ट्रेंड मॉडल है। अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो वो उसका पेज ये है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, हगिंग फेस डॉट आई डॉट स्टेबिलिटी AI स्टेबल डिफ्यूजन 2। सो हम ये वाला मॉडल, प्री ट्रेंड मॉडल यूज करेंगे अपने इमेज जनरेटर में। और बेसिकली इसमें क्या होगा कि फिर हम जो है कोई भी टेक्स्ट देंगे और ये हमें रिस्पेक्टिव जो है वैसी ही इमेज जनरेट करके दे देगा। तो और ये एक्सरसाइज जो है मैं गूगल कोलैब का यूज करके कर रहा हूँ, क्योंकि इसको बेसिकली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जीपीयू की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी लोकल मशीन पे जीपीयू नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप गूगल कोलैब को यूज कर लें, उससे आपका जो है इजिली हो जाएगा। सो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको पहले एक क्विक कोड वॉक थ्रू करूंगा और ये कोड जो है मेरे गिटहब रेपो के ऊपर होस्टेड है, आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्विक कोड वॉक थ्रू होगा, जल्दी जल्दी, मतलब इन द सेंस की सो दैट कि आप रिलेट कर पाए कि मैंने कहाँ पे क्या किया है। और उसके बाद जो है मैं आपको कुछ डेमो दूंगा कि वो कैसा इमेज जनरेट कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये वाली कमांड चलानी है, आपको डिफ्यूजर्स और ट्रांसफॉर्मर्स को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप ये कमांड चलाएंगे, अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं किया है तो। अगर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आपको ये चलाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, उनको इंपोर्ट करते हैं। और उसमें फिर मैंने वही सब इंपोर्ट किया है, जैसे टोर्स, पांडास, नंपाई, डिफ्यूजर्स फ्रॉम एंड ट्रांसफॉर्मर्स, मैटप्लॉट, ऑल दोस लाइब्रेरी जो कि हम इसमें यूज करने वाले हैं, उन सबको जो है इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एक प्लेन क्लास बनाई है CFG के नाम से। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारा प्री ट्रेंड मॉडल है हम उसको यूज करेंगे और उसमें कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू चाहिए होती है। तो हम क्या है कि हम एक क्लास बना लेंगे और उन पैरामीटर्स को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे और फिर यहाँ से हम उसको यूज करेंगे। जैसे कि डिवाइस कौन सा यूज करना, कूडा वाला सीड, आप ये एक रैंडम नंबर दे सकते हो। जनरेटर, इमेज जनरेशन के स्टेप्स कितने रखना चाह रहे हो आप, जनरेशन का मॉडल कौन सा यूज कर रहे हो, उसकी आईडी बेसिकली स्टेबिलिटी एआई स्टेबल डिफ्यूजन 2 हम यूज करने वाले हैं। इमेज जनरेशन का बेसिकली किस साइज की इमेज जनरेट करना चाह रहे हो, एंड प्रॉम्प्ट जनरेशन मॉडल आईडी। इसमें बेसिकली अगर मैं आपको एक प्लेन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो, क्योंकि हम टेक्स्ट देंगे तो पहले मॉडल को टेक्स्ट समझना होता है, तो टेक्स्ट समझने के लिए एक AI जनरेटिव AI का मॉडल यूज होता है। यहाँ पे हम GPT-2 यूज कर रहे हैं। आजकल जो जैसे हमारा ChatGPT आ गया है जो कि फ्री वर्जन है, उसमें 3.5 यूज होता है और पेड वाले में 4 यूज होता है। इसमें मैं यूज कर रहा हूँ GPT-2 वर्जन। उसके बाद और ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स को जो इनिशियलाइज करवाया है, उसके बाद इस क्लास में ये वाला मेथड यूज किया मैंने, स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड मॉडल। यहाँ पे मैंने वो वैल्यूज पास करी जो मैंने ऊपर इनिशियलाइज करवाई थी, जैसे कि मेरा इमेज जनरेशन मॉडल आईडी कौन सा मैं यूज करना चाह रहा हूँ, टोर्च, रिवीजन, यूज और टोकन। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। और टोकन बेसिकली अगर आप इसको आप जो है हगिंग फेस की वेबसाइट से जाके जनरेट कर सकते हैं। हगिंग फेस की वेबसाइट पे आप जाओगे, उसके बाद जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स में आपको जो है ये एक्सेस टोकन दिखेगा, और एक्सेस टोकन में यहाँ पे आप न्यू टोकन से जनरेट कर सकते हो। जैसे आप न्यू टोकन जनरेट कर पाओगे उसको यहाँ पे आपको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप करने के बाद इट्स काइंड ऑफ आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने अपने मॉडल को कुछ पैरामीटर्स के साथ कंफिगर कर दिया है कि मैं ये चीजें यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब जब ये चल जाएगा उसके बाद मैं एक प्लेन
मेथड लिखा है, उसमें बेसिकली क्या होगा कि हम मॉडल का ऑब्जेक्ट भेजेंगे और जो भी हम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो होगा वो भेजेंगे। सो बेसिकली क्या होगा कि ये मैंने मेथड लिखा है जनरेट इमेज, इसमें प्रॉम्प्ट आता है और मॉडल आता है। मॉडल में मॉडल का ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर ही हम ये सारी वैल्यूज पास करते हैं, प्रॉम्प्ट और जो इन्फ्रेंस स्टेप्स कितने हैं आपके, जनरेटर कौन सा है। ये जनरेटर अगर आपको याद है तो मैंने ऊपर वाली क्लास में सब इनिशियलाइज करवा दिया है, और इमेज जनरेशन गाइडेंस स्केल क्या है, और ये फिर मुझे जो है कुछ इमेजेस का एरे देगा, उसमें से मैं फर्स्ट इमेज को उठा रहा हूँ और उसको इमेज ऑब्जेक्ट इमेज वेरिएबल में असाइन करवा के उसको रिसाइज करके और उसको रिटर्न कर रहा हूँ। दैट्स इट। अब मैं इसको जो है टेस्ट करने वाला हूँ सिंपल। अब जैसे मैंने एक सिंपल पहले ये टेस्ट किया था कि टू ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर, सो अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ सेकेंड्स का टाइम ले सकता है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 seconds, सो वी कैन वेट फॉर इट। सो आप इसमें देख सकते हैं कि इसने एक इमेज जनरेट करी है और इस इमेज में दो ट्रेन है, एक ट्रेन यहाँ पर है और एक ट्रेन यहाँ पर है। तो अगर आप जो रिजल्ट्स इसने दिए हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उस सेम क्वेरी को रीरन कर सकते हैं, तो ये आपके लिए दूसरी दूसरी जो है दूसरी इमेज जनरेट कर देगा। तो लेट्स से अगर हम कोई एक और दूसरी प्रॉम्प्ट हम ट्राई करते हैं थोड़ी सी डिफरेंट थीम पे, जैसे कि इसमें लिखा है कि वन गर्ल इज लुकिंग एट द एरोप्लेन इन स्काई थ्रू द ट्री लीव्स। सो इसमें मेरे से मिस स्पेल हो गया था, सो लेट्स सी इसको मॉडल कैसे इंटरप्रेट करता है और क्या इमेज जनरेट करके देता है। सो यू कैन सी दैट मॉडल स्टिल एबल टू फाइंड इट, उसने एक गर्ल दी है, ट्री दिया, लीव्स दिए हैं, स्काई दिया है, बट इसमें अभी एरोप्लेन नहीं है। तो अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसको रीरन कर सकते हैं सेम को, और ये आपको जो है दोबारा दूसरा रिजल्ट देगा, एंड इट ट्राइज टू बेसिकली इम्प्रूव इट सेल्फ। सो यू कैन सी कि यहाँ पर भी एक गर्ल है, बहुत सारे ट्रीज हैं, एंड इसमें एरोप्लेन मुझे नहीं दिख रहा है। सो अगेन हम फिर से ट्राई कर सकते हैं, बट लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, एक और कुछ डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट चीज ट्राई करते हैं, जैसे कि ये व्हाइट टाइगर विद गॉगल्स। सो लेट्स सी, क्योंकि ये प्रैक्टिकली रियल लाइफ में होता नहीं है, सो लेट्स सी इसको मॉडल कैसे इंटरप्रेट करता है और क्या इमेज जनरेट करके देता है। दिस गिव्स मी द नेक्स्ट रिजल्ट। बहुत ही अच्छा और इम्प्रेसिव रिजल्ट है ये। सो लेट्स सी वन मोर थिंग वी कैन ट्राई, व्हिच इज अगेन अ डिफरेंट थीम पे, लेट्स से एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। आप भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, लेट्स से अगर आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट है, आप अपने कुछ फन या लर्निंग पर्पस के लिए कुछ हैंड्स ऑन करना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर कैसे बनाना है, अगर आप वो चीज ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप इस कोड को जो है रेफर कर सकते हैं। ये कोड मेरी गिटहब रेपो में होस्टेड है और आप उसको जाके कभी भी रेफर कर सकते हैं। एंड स्टिल अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन ड्रॉप द कमेंट्स, अगर कहीं पे कुछ इशू है, अगर आप इसको यूज करने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ड्रॉप द कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट और आंसर योर क्वेरीज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।